मेरा नाम हसन जावेद है। थैंक यू वेरी मच फॉर द प्रेजेंटेशन। मेरे कुछ दो या तीन सवाल हैं। बेसिकली द बैकग्राउंड ऑफ आस्किंग दोज क्वेश्चंस कि आपका एक्सपोजर बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर है। अगर काउंसिल में कोई छोटी जॉब आती है अंडर टिल 1 मिलियन तो डेफिनेटली दे आस्क फॉर एन एस्टिमेट और उसमें उनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि इंजीनियर एस्टिमेट प्रिपेयर हो। तो सिंस बेसिक नॉलेज तो इंजीनियरिंग की सबके पास होती है, एस्टिमेशन निकल आती है, लेकिन जो रेट्स होते हैं फॉर दोज जॉब्स वो आप रेट कहाँ से एक्वायर करते हैं? देखें, इसके अंदर जनरल रेट्स की बुक्स भी आती हैं। इसके अलावा नॉर्मली जनरली ये एक्सपीरियंस पे ही होता है। जैसे जो रेजी की साइड के एस्टिमेटर्स हैं उनके जनरली वो रेजी की साइड ही करते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर की साइड करते हैं। तो जो रेट्स होते हैं वो दूसरा वेरी भी करते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा बुक के रेट्स को यूज करना। मुझे नाम नहीं याद आ रहा उस बुक का, बट इट देयर इज अ वेरी कॉमन बुक व्हिच इज यूज्ड फॉर आई थिंक रॉलिंग स्टोन। जी, रॉलिंसन। जी रॉलिंसन। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है, क्योंकि मेरा एक हमारी कंपनी का डिस्प्यूट हुआ था, उसमें कोर्ट में गई थी बात, और जो हमारा एक्सटर्नल एस्टिमेटर था, वो जो हमने थर्ड पार्टी एस्टिमेटर एंगेज किया था, वो सारी काम रॉलिंसन से करके ले आता था। तो वो और रॉलिंसन ये कहता है कि भाई एक जो इलेक्ट्रिकल की ट्रेंच है वो 1 घंटे में 50 मीटर होनी चाहिए, लेकिन जब हम साइट पे देखते थे तो हमारे साइट पे क्रॉस ओवर्स थे, हमारी साइट के ऊपर लेटेंट कंडीशंस भी थी, तो और एस्बेस्टॉस भी आ गया था एक दो जगह पे। तो हमारी प्रोडक्टिविटीज वो जहाँ 50 assume करता था वहां पे हमारी 5 के 6 आती थी, और उसको वो समझाना भी एक मुश्किल एक एक टास्क होता था, क्योंकि उस बंदे का साइट एक्सपीरियंस नहीं था, हालांकि ही वाज रिप्रेजेंटिंग अस इन द कोर्ट। तो ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा बुक के रेट्स को यूज करना, लेकिन जो है जनरली एक्सपीरियंस होता है, और एक लाइब्रेरी डेवलप हुई होती है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये बेंचमार्क है, जैसे ये एक सॉफ्टवेयर है, हर सॉफ्टवेयर में होती है, एक्सपर्ट एस्टिमेट है उसके अंदर भी होती है, जितने भी एस्टिमेशन सॉफ्टवेयर हैं उनके अंदर एक लाइब्रेरी डेवलप हुई होती है। जैसा आप ये देख रहे हैं, ये लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी के अंदर जो है ये आपकी टेक ऑफ शीट्स भी हैं, वेरिएबल्स भी हैं, और रिसोर्स लाइब्रेरी सबसे इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी होती है। इसके अंदर तमाम रिसोर्सेज होती हैं, और ये अपडेट होती रहती है मुसलसल, मतलब जब आपके प्रोजेक्ट प्राइस करते हैं। अब अगेन ये फीचर फ्रॉम सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर वेरी करता है। बेंचमार्क में आपको उसको बताना पड़ता है कि इसको अपडेट करना है, लेकिन एक्सपर्ट उसको ऑटोमेटिक अपडेट करता है कि जैसे आपका एक RCP पाइप है जो $300 की आपको मिल रहा था और आज वो 350 का मिल रहा है, तो जब आप 350 डालेंगे एक्सपर्ट एस्टिमेट में तो वो ऑटोमेटिकली रेट को अपडेट कर देगा पूरी लाइब्रेरी के अंदर। लेकिन आप जब बेंचमार्क में करते हैं तो बेंचमार्क को बताना पड़ता है कि इसको लिंक करो, अनलिंक करो, या लाइब्रेरी अपडेट करनी है नहीं करनी है, तो ये करता है। बट दीज आर द सॉर्ट ऑफ लाइब्रेरीज जो कि डेवलप होती हैं, और ये जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट्स प्राइस करते रहते हैं ये ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होती रहती है। अगेन अगर आप एक्सेल में काम करेंगे तो आपको एक अलग से हर दफा टाइप करना पड़ेगा, एक शीट बनानी पड़ेगी, उसके अंदर से आपको करना पड़ेगा, तो विच इज वेरी इनएफिशिएंट फॉर एन एस्टिमेटर। तो आप, आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कि आपने बताया कि जब अकाउंट्स, क्योंकि डेफिनेटली हमारा भी कई क्लाइंट्स है जो होती हैं हाई राइज बिल्डिंग, उसमें कमेटीज होती हैं, काउंसिल होती हैं और प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, तो एस्टिमेशन तीन तरफ से आता है, एक एस्टिमेशन होती है, एक प्रोजेक्ट डिलीवरी अकाउंट्स होती है, तो जब ये ओवरलैप कर रही होती हैं तो डेफिनेटली कॉस्ट हेड्स में भी कई दफा प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर आपका ये सिस्टम सेटअप नहीं है तो आप इसको अनरैप कैसे करेंगे? I think I lost your voice somewhere. आपने जब overlap बोला था उसके बाद आप थोड़ा repeat करेंगे? जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है आपकी आवाज। जी जी, मेरा question ये है कि normally जो भी costing होती है वो तीन तरफ से देखी जाती है, estimation, project delivery team और accounts। कई दफा ऐसा होता है कि साइट पे, आपने चीज पे बताई भी थी कि साइट पे कई दफा वो गलत कॉस्ट सेंटर डाल देते हैं, या कई दफा अकाउंट्स टीम अपने आप को कवर करने के लिए वो कर देती है, तो जब एक कोई ऐसा इशू आता है तो आप इसको अनरैप किस तरह करते हैं? देखें भाई, अगेन बात यही है कि वो कॉस्ट स्ट्रक्चर, इसमें अब मार्केट में बहुत एफिशिएंट सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, ये बहुत ज्यादा कॉमनली होता है। आई वुड अग्री कि बहुत कॉमनली होता है ये चीज, आपकी अकाउंट्स जो है वो मतलब कहीं जा रहा होता है, प्रोजेक्ट डिलीवरी टीम आपकी कहीं जा रही होती है। तो अब जो सॉफ्टवेयर आ गए हैं मार्केट के अंदर, उसमें होता यह है कि जब वो एक इनवॉइस आपकी सबमिट हो गया अगेंस्ट कॉस्ट कोड, तो वो लॉक हो जाती है उसके बाद। और वो कॉस्ट कोड, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि जो कॉस्टिंग का स्ट्रक्चर होता है वो जैसे ही प्रोजेक्ट आप विन करते हो वो डिफाइन होता है, उसके अंदर आपका फाइनेंस मैनेजर भी बैठता है, उसके अंदर कंस्ट्रक्शन मैनेजर भी बैठता है, उसमें एस्टिमेशन मैनेजर भी बैठता है, और वो तीनों मिलकर बोलते हैं ये इसका कॉस्टिंग स्ट्रक्चर होगा,
और जितनी ट्रेसेबिलिटी होगी या जितनी इनवॉइसिंग होगी इस प्रोजेक्ट की, वो इस कॉस्टिंग स्ट्रक्चर पे होगी। अगर इससे ये डेविएट करेगा तो फिर डिफाइन, मतलब जैसे मैंने वेरिएबल्स की, वेरिएशंस की आपको एग्जांपल दी कि जब वेरिएशंस आ रहे होते हैं तो वेरिएशंस में अगेन नए कॉस्ट कोड्स आ रहे होते हैं, मगर उसमें भी वो प्री डिफाइन हो जाते हैं उस मीटिंग के अंदर कि इस वेरिएशंस का ये मैकेनिज्म होगा V01, V02 या V03 जैसे भी होगा। उसमें होता यह है कि कोई सिस्टम को जाके ना वो नहीं कर सकता, खराब नहीं कर सकता। वंस एन इनवॉइस इज पेड, इट इज सिंक्ड ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स, के क्योंकि आपने प्राइस किया है, जब प्रोजेक्ट टीम के पास इनवॉइस आ रही होती है तो उसको पता होता है कि इस कॉस्ट कोड पे ये इनवॉइस हुई है, वो उसी कॉस्ट कोड पे उसको अप्रूव करेगा और उसके हिसाब से अकाउंट्स टीम उसी कॉस्ट कोड पे करेगी, तो वो कोई भी सिस्टम को जो है वो टेम्पर नहीं कर सकता उसमें। कर सकते हैं लोग, क्रैक करते हैं सिस्टम्स को डेफिनेटली, बट इसमें अनलाइकली होता है। ह्यूमन एरर बहुत ज्यादा होता है एक्सेल के अंदर, बहुत ज्यादा होता है ह्यूमन एरर, के लोग थके हुए होते हैं, दे आर टायर्ड एंड sometimes lazy, they don't want to update it properly, या वो शीट होती है पूरी कॉस्ट कोड की शीट होती है, वो कोई नया बंदा आता है वो खोलने की जहमत ही नहीं करता, वो जो सामने नजर आता है उसमें बुक करके भेज देता है। तो यस, दिस डज हैपन, बट देर आर सॉफ्टवेयर, स्पेशली मेरा एक्सपीरियंस अभी तक प्रोकोर के साथ है कि वो उसमें मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है अनलेस कोई बहुत ही बड़ा जो है वो मिस्टेक करे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आप वेरिएशन की बात करते हैं तो लेटेंट conditions क्योंकि अननोन होती हैं, तो आप उनको कैसे अकोमोडेट करते हैं? आई कैन अंडरस्टैंड कि एक प्रोजेक्ट की बजट कॉस्ट होता है, उसका एक थ्रेशोल्ड होता है, लेकिन समटाइम्स लेटेंट कंडीशन साइड पे आपने एक प्रीवियस डिजाइनर की ड्राइंग देखी, उसके हिसाब से आपने कोई नई डेवलपमेंट हुई, आपने रीडिजाइन कर दिया, लेकिन जब एक्सक्यूशन शुरू हुई तो वो पाइप वहां पे है ही नहीं, और दिस इज अननोन, यानी कि और दिस इज वेरी कॉमन, जो कि बहुत पुराने जॉब्स हैं जिनमें पहले रेनोवेशन हुई हुई है, प्लम्बर ने वर्क अराउंड कर दिया, तो ऐसी ऐसे केस में जो आपने एस्टिमेट किया वो तो आपका नल एंड वॉइड हो गया। जी बिल्कुल, तो ऐसा उसमें आप इन लेटेंट कंडीशंस पे क्या आपकी होती है प्लानिंग होती है, आप उसको किस तरह टेक केयर करते हैं, क्योंकि ये कॉज करती है कंसल्टेंट्स को भी फेस करनी पड़ती है, कॉन्ट्रैक्टर तो बेचारा वैसे ही रोना शुरू कर देता है, तो क्लाइंट तो कहता है कि जी आई डोंट नो, इसलिए मैंने आपसे लमसम मांगी थी, तो इसको कैसे मैनेज किया जाता है? देखिए, पॉजिटिव वेरिएशन तो काफ़ी इजी होता है कि वो पॉजिटिव वेरिएशन मैंने बताया जैसे आपको कि वो कॉस्ट कोड होता है, वो पॉजिटिव वेरिएशन तो उसमें कैप्चर होना शुरू हो जाती है जो आपकी कॉस्ट है। अगर आपकी कोई कॉस्ट सेविंग है उसमें थोड़ा सा इश्यू ये आता है कि कॉस्ट सेविंग अगर आपने देनी है कि कोई आइटम था वो प्राइस हुआ था लेकिन वो साइट पर हुआ ही नहीं है, या वो किसी कॉस्ट कोड के अगेंस्ट बजट के अंदर है और वो हुआ ही नहीं है, तो फिर आपको सिस्टम के अंदर प्रोकोर के अंदर जाके फिर थोड़ा सा उसको आपको चेंज करना पड़ता है। अगर पॉजिटिव वेरिएशन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आपकी जैसे आप 1 लाख की वेरिएशन आई है तो आप उसके 1 लाख का कॉस्ट कोड डिफाइन कर दें, और आप उसको अगर मजीद ब्रेकअप करना चाहते हैं मजीद ब्रेकअप करें, या आपने अगर एक ही सब कॉन्ट्रैक्टर को सारा काम अवॉर्ड किया हुआ और आप एक ही सब कॉन्ट्रैक्टर से उसको कैप्चर करना चाहते हैं कॉस्ट को, छोटी वेरिएशन है तो आप उसको एक कॉस्ट कोड पे भी कर सकते हैं। तो पॉजिटिव वेरिएशन इन माय व्यू इट्स वेरी इजी, बट नेगेटिव वेरिएशन जब कॉस्ट सेविंग्स देनी पड़ती है तो उमूमन तो जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो देता ही नहीं है, पहली बात है वो दबा जाता है जब तक कि कंसल्टेंट उसके ऊपर चीजें चलाए नहीं, लेकिन जब करना पड़ता है तो फिर वो उसको प्रोकोर में, मतलब अगर आप मॉनिटरिंग सिस्टम्स की बात करें तो प्रोकोर में जाके आपको मजीद बजट अपना रीडिफाइन करना पड़ता है उसके अंदर। आई थिंक जो का क्वेश्चन था वो ये था कि अगर वेरिएशन आ जाए तो उसको मैनेज कैसे करना चाहिए। हसन, ये जो क्वेश्चन है ये कॉस्टिंग का नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स का है कि बेसिकली वो वेरिएशन का कौन जिम्मेदार है या उसको कैसे टैकल किया जाएगा अगर हो जाए, ये डिफाइंड कॉन्ट्रैक्ट में होगा और जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो करेगा। तो जो कॉस्टिंग का रूल ये है कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट में उस कॉस्ट को हैंडल करने का कहा गया है, अगर वो वेरिएशन होनी है या लमसम होनी है, कॉस्ट इंजीनियर ने उसको उसके मुताबिक मैनेज करना है। आई थिंक दिस इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आई गॉट द आंसर। जी, एनी अदर क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम एनीबॉडी? जी, मेरा एक सवाल है। अच्छा सॉरी, मैं आपसे 2-3 मिनट लूं सो दैट कुछ हो जाए। एक तो वकास, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त और डिटेल आपकी प्रेजेंटेशन थी, और हमारे पास चैलेंज ये होता है कि जो हमारे पास मौजूद है ऑडियंस वो जूनियर से लेकर बड़े सीनियर तक होती हैं और वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, तो उनको सबको एक में डिस्कस करना इट्स रियली चैलेंजिंग, लेकिन माशाल्लाह आपने बड़े हायर लेवल से बड़ी डिटेल तक गए हैं। और अगर किसी ऑडियंस को जो क्वेश्चन हो आप पूछ भी सकते हैं, लेकिन बाद में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो आप वकास को बाद में भी रब्ता कर सकते हैं, आई एम प्रीटी श्योर वो आपको ये ऑफर करेंगे एंड में। लेकिन मैं सिंपल आपको 2-4 बातें ये बताऊं कि
बेसिकली हम जॉब करते हैं और हम क्या चाहते हैं कि एंड ऑफ द मंथ हमें पे आए, हाउ डू यू फील कि अगर आप पूरा महीना मेहनत करते रहे और एंड ऑफ द मंथ आपको कहा जाए सॉरी आपको पे नहीं मिलेगी, विल यू वर्क, आपका क्या रिएक्शन होगा? तो सिमिलरली आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वो कंपनी या प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे बनी हुई है कि दे वॉन्ट प्रॉफिट, और अगर उनको एंड ऑफ द डे प्रॉफिट नहीं होता तो वट आर दे फॉर? तो आप ये समझिए कि अब वो प्रॉफिट में कौन जिम्मेदार है? कॉस्टिंग का बाय डिफॉल्ट जो जिम्मेदार है वो बजट ओनर होता है, और बजट ओनर है प्रोजेक्ट मैनेजर। डिपेंडिंग अपॉन प्रोजेक्ट बड़ा हो तो फिर उसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजर है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर डिपेंडिंग अपॉन कि प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, वो उस बजट को मॉनिटर करने के लिए अपने पास सपोर्टिंग बंदे रखता है, जिसमें अगर आप कॉस्ट इंजीनियर का जॉब करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बेसिकली बजट कंट्रोल नहीं है, कॉस्ट कंट्रोल नहीं है, बल्कि वो ओवरऑल बजट और कॉस्ट कंट्रोल आपका प्रोजेक्ट मैनेजर कर रहा है। आप उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसका टूल है, उसको गाइड कर रहे हैं कि क्या प्रिंसिपल है, कैसे किया जाना चाहिए। तो बाज केसेस में प्रोजेक्ट मैनेजर का अपना इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो कॉस्ट इंजीनियर को खुद डिक्टेट करता है कि ओके दिस इज द वे आई वांट टू डू। लेकिन अगर आप उससे पूछते हैं कि वो कैसे करता है, और इफ यू हैव अ बेटर आइडिया, जब आप समझते हैं कि जो वो कह रहा है उससे कुछ चीजें मिस हो जाएंगी, तो यू हैव टू चैलेंज हिम कि यू हैव बेटर वे टू डू दैट। लेकिन ऐसे नॉर्मली नहीं होगा कि आप जॉब पे गए हैं एज ए कॉस्ट इंजीनियर और आप कंपनी को कहें पीछे हट जाओ पीछे हट जाओ, मैं सब कुछ करके दूंगा। कॉस्ट इंजीनियरिंग डोंट वर्क लाइक दिस। दूसरा एक प्रॉब्लम ये है कि ऑस्ट्रेलिया में अनफॉर्चुनेटली जो कॉस्टिंग का प्रोसेस है वो कोई स्टैंडर्डाइज नहीं है जैसे फिनांस का है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट का है। तो कॉस्ट कंट्रोल को हर कंपनी, हर प्रोजेक्ट मैनेजर डिफरेंट तरीके से करता है और कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। तो ये जो भी कॉस्ट इंजीनियर की जॉब यहाँ करते हैं उनको ये हर्ट होता है कि फॉर एग्जांपल कोई मिडल ईस्ट से आया है वो एक तरीके से करता रहा है, कोई पाकिस्तान से आया है वो दूसरे तरीके से करता रहा है एक कंपनी। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो आप करते रहे हैं वो कोई मेथड स्टैंडर्ड है। वो कोई भी मेथड हो सकता है प्रोवाइडेड कि वो बेसिक प्रिंसिपल को मीट करे, और वो प्रिंसिपल ये है कि बजट कितना है, कॉस्ट कोड स्ट्रक्चर क्या है, आप ट्रैक कैसे करेंगे, एक्सपेंस कैसे हो रहे हैं, लॉस कैसे हो रहा है और गेन कैसे हो रहा है। तो अगर आप किसी भी कंपनी में जाएं तो पहले आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप लर्न करें कि उनका क्या स्ट्रक्चर है, और जब आप समझ जाएं तो अगर आपको लगे कि उसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है तो गिव योर सजेशन, बट डोंट ट्राई टू फोर्स कि आपके पास जो मेथड है दैट्स द बेस्ट मेथड। तो मैं इस थोड़े से ओवरव्यू के बाद मैं बैक टू आऊंगा क्वेश्चन आंसर पे, ताकि जो वकार है वो आपको उनके जवाब दे सके। जिलानी साहब, मेरा नाम फरहान है, मैं जस्ट दो मिनट ऐड करना चाहूँगा आपकी बात से ही। मैंने कॉस्ट एंड प्लानिंग में काम किया था मिडिल ईस्ट में, तो मैंने वहाँ पे एमएस प्रोजेक्ट और प्रिमावेरा पे काम किया था काफ़ी हाई लेवल पे। तो बट ये जो अभी जो शीट जो थी मैंने वकास सुल्तान के साथ ही बनाई थी हम लोगों ने मिलके एक जॉब पर, तो मैंने स्टार्ट प्रिमावेरा और एमएस प्रोजेक्ट से किया। बट डेफिनेटली यहाँ पर लोगों को मतलब प्रिमावेरा का इतना और बेसिक, फिर मुझे सारी प्रिमावेरा की जो जो डिटेल्स थी वो सारी फिर हमने एक्सेल पे इसी तरह ही निकाली। तो वही आपकी बात को वही वाली बात है कि अगर किसी को लाइक कोई सोच रहा है कि सिर्फ कॉस्ट कंट्रोलिंग हमने करनी प्रिमावेरा पर है, बट उसके लिए आपके पास रिसोर्सेज नहीं है और समझने वाले लोग नहीं है, तो इस वजह से हमने फिर एक्सेल पे गई। बट बेसिक जो वकास ने अभी जो आपको जो चीजें बताई हैं, स्टार्टिंग मैंने प्रिमावेरा पे भी इसी तरह ही करी थी, लाइक एज अ कॉस्ट को डिफाइन करना, उसकी ट्रैक करना सारी चीजें। जी मैं सेकंड करूंगा। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, और जो मैंने क्रॉस द बोर्ड देखा है जिन कंपनियों में काम किया है, कोई भी प्रिमावेरा और एमएस प्रोजेक्ट को प्रॉपरली यूज नहीं करता। दे ओनली यूज टू कैलकुलेट द क्रिटिकल पाथ। वो कोई रिसोर्स एनालिसिस नहीं होता, कोई कास्टिंग नहीं होती, इवन जो उनकी एक्टिविटीज है क्रिटिकल के अलावा वो भी बड़ी लूजली लिंक्ड होती है, और बहुत कम लोग हैं जो प्रिमावेरा को प्रॉपरली इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो ज्यादातर लोग फिर वो एक्सेल पे चले जाते हैं। सॉफ्टवेयर अवेलेबल है लेकिन वो जो यूज भी करता है वो बड़ा हाफ हार्टेडली, कुछ चीजें उसमें आती हैं, और WBS का यूनिफॉर्मिटी इट इज वेरी रेयर। तो जो भी कास्टिंग में काम कर रहा है अपना नॉलेज इंप्रूव करें, लेकिन मेक श्योर कि आपको प्रिंसिपल आप ठीक हो, लेकिन काम आपको कैसे करना पड़ेगा, आपको अपनी कंपनी में जाके पहले देखना पड़ेगा कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है और वो पहले कैसे करते रहे हैं, और फिर आप बताएं कि उनको इम्प्रूव कर सकते हैं कि नहीं। जी बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। और किसी का क्वेश्चन हो तो अपना माइक अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम,
आवाज आ रही है? मेरा नेम काशिफ है, मोहम्मद काशिफ। ये लान साहब आवाज आ रही है आपको? कैन यू हियर मी? जी आवाज आ रही है, गो अहेड। जी जी, मैं एस्टिमेटर हूँ, मैं करंटली मैकोनल डॉवेल के साथ काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं बीएमडी के साथ काम कर रहा था एज एस्टिमेटर यहाँ पे। तो कुछ चीज़ें हैं जिसपे ये वकास साहब कह रहे थे कि ये माइनर मेजर के बाद माइनर कोर्स का आप बात कर रहे थे, तो उसमें आप रिसोर्सेज का जिक्र कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं खुद कॉस्ट कोडिंग करता हूँ जब मैं एस्टिमेट बनाता हूँ, और वही जो आप बात कर रहे थे पैटर्न हर तकरीबन हर कंपनी में सेम है। जो प्रोसीजर है हर कंपनी का ऑलमोस्ट सेम है कि उनका एक अपना सेटअप होता है, कोर कंपनी प्रोसीजर होते हैं, उसको आपने फॉलो करना होता है कॉस्ट कोडिंग के लिए। लेकिन मैंने कहीं पे ये माइनर तक का नहीं ऑब्जर्व किया अभी तक। जैसे आप एक्सवेटर का बात कर रहे थे डिगर का, तो इस तरह क्योंकि जब एक एस्टिमेट होता है उसमें तकरीबन थाउजेंड्स ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है ऑस्ट्रेलिया के, यहाँ के जो मैंने देखा है काम का। और दूसरा किसी ने यहाँ पे अभी पॉइंट रेज किया था रॉलिंसन बुक का, तो आपने भी उसको वो सेकंड किया था, इट शुड बी यूज्ड एज लास्ट रिसॉर्ट। मतलब अगर आपके पास कुछ ना मिल रहा हो तो आपका भी उस बुक को यूज ना करें। तो ये पॉइंट था। और थर्ड, हाँ एक और पॉइंट था रिलेटेड था कि किसी ने प्राइमावेरा और एमएस प्रोजेक्ट की बात की, तो कॉस्ट के उसके हिसाब से, ट्रैकिंग के हिसाब से और फॉरकास्टिंग के हिसाब से, हाँ ये यहाँ पे काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। लेकिन देखा जाए तो क्योंकि हम दूसरी चीज़ों को नहीं देखते, कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं उन सॉफ्टवेयर में जो यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। अगर देखा जाए जैसे अभी, क्योंकि मैं तो एस्टिमेटर हूँ, जैसे प्राइमावेरा की बात की जाए तो उसका लाइसेंस $190 का है। जब मैं अपनी कॉस्ट कोडिंग करता हूँ तो मुझे वो ऐड करना होता है जिस पर्सन का यूज़ करें। अगर एस्टिमेशन का सॉफ्टवेयर है तो वो $200 पर मंथ है। तो कंपनी पीछे बैक एंड पे ये सारा वर्कआउट कर रही होती है, तो वो देखती हैं कि उनको क्या क्या मतलब अच्छा लग रहा है, क्या रीजनेबल लग रहा है। कुछ प्लस पॉइंट्स होते हैं और नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। अगर एक बड़ी जॉब है और उसकी नंबर ऑफ आउटपुट्स हैं, तो फिर आपके लिए कॉस्ट कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा इन सॉफ्टवेयर में या फॉरकास्टिंग करना ना। तो ये कुछ ये चीज़ें थी मेरी तरफ से। और हाँ एक बात हमने लाइब्रेरी की थी, तो मैं वो भी ऐड करना चाहता हूँ। लाइब्रेरी खुद ऐड नहीं होती, आपने अपडेट करनी होती है, और लाइब्रेरी जस्ट आपको एक समझ लें कि आपको एक बेंचमार्क प्रोवाइड करती है कॉस्ट का और कॉस्ट एस्टिमेट का। तो ये मे बी मेरी ओपिनियन डिफर कर रही है, लेकिन दिस इज द वे हाउ वी वर्क हियर इन एस्टिमेशन फील्ड। वी ऑलवेज ट्राई टू अपडेट आवर लाइब्रेरीज। सो वॉट इज बेसिकली अ लाइब्रेरी? लाइब्रेरी इज just say for example if you want to do an excavation, say for example for a storm water, so we have a different types of built ups over there, so you can grab a built up, put it in your estimation software, but then you have to update that cost estimate again. It's like just a starting point. थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट, बहुत वैल्यूएबल इनपुट था आपका। मैं बस दो आपका ज्यादातर पॉइंट्स मेरे ख्याल में आपके बहुत अच्छे इनपुट थे। मैं दो चीजों का बस आपका जवाब दूंगा। एक तो जो लाइब्रेरी आपने कहा था वो मैंने मेंशन किया था ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन के सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर वेरी कर जाता है। कुछ सॉफ्टवेयर इसको ऑटोमेटिकली अपडेट करते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर नहीं अपडेट करते। ऑटोमेटिकली अपडेट से मेरी मुराद ये है कि जब आप एक रिसोर्स क्रिएट कर देते हैं तो उस रिसोर्स की ऑटोमेटिक रेट्स अपडेट हो जाते हैं, और जब आप उस और जैसे बेंचमार्क में अपडेट नहीं होता लेकिन एक्सपर्ट एस्टिमेट में अपडेट रेट अपडेट हो जाता है अगर रिसोर्स क्रिएट हुई हुई है, और अगर नई रिसोर्स क्रिएट होती है तो उसके हिसाब से नहीं होता। दूसरी बात आपने कही थी माइनर कॉस्ट कोड की, कंसल्टेंसी में डेफिनेटली माइनर कॉस्ट कोड की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कंसल्टेंसी जो है वो बजट एस्टिमेट पे काम कर रही होती है या वो एक प्रोबेबल कॉस्ट दे रही होती है प्रोजेक्ट की। जब कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस में आप आते हैं तो कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस में आपको लेवल ऑफ डिटेल थोड़ी ज्यादा चाहिए होती है, तो उस हवाले से फिर जब हम माइनर में जाते हैं। और कॉन्ट्रैक्टिंग में भी आई वुड अग्री विद यू कि समटाइम्स होता यह है कि आप माइनर कॉस्ट कोड पे मॉनिटर तो कर रहे होते हैं लेकिन रिपोर्टिंग सारी मेजर पे हो रही होती है। So, this is a way सब लोग सॉरी लेट मी डू इन 2 मिनट
जी मेरा ख्याल सब लोग हम एक ही बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ कंपनी में मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर में मुख्तलिफ नाम होते हैं। जो कास्ट कोड है वो लेवल है जहां पर रिपोर्ट होता है, इसको माइनर कास्ट कोड कह लें हम, उसी को कास्ट कोड लेवल जो हम थीस जॉन हॉलैंड और सीपीबी में यूज करते हैं, कैट यूज करते हैं या अकाउंटिंग के लिए जेडीई यूज करते हैं, तो हमने लेवल डिफाइन किए हुए हैं कि कास्ट कोड का फॉर एग्जांपल लेवल 8 है तो जो माइनर कास्ट कोड है उसको लेवल 9 कह देते हैं। तो लेवल 9 सिर्फ कॉस्ट कैप्चरिंग के लिए यूज किया जाता है, या अगर आप एस्टिमेट कर रहे हैं तो वो एज ए रिसोर्स यूज होता है लेबर का, या और फिर उसमें भी एक लेवल है कि आप पहला रिसोर्स लेवल है, फिर एक कॉम्प्लेक्स रिसोर्स है जिसमें आप कुछ रिसोर्सेज को मिला के कह देते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक आपको एक्सक्वेटर चलाना है तो आपको क्या चाहिए, तो रनिंग एक्सक्वेटर में एक्सक्वेटर है, उसका लेबर है, उसका फ्यूल है, तो वो एक कॉम्प्लेक्स रिसोर्स बन गया, तो फिर आप बढ़ाते जाते हैं। लेकिन जो आपका रिपोर्टिंग लेवल है वो कास्ट कोड होता है, तो कास्ट कोड के जो बिलो लेवल है जहां वर्किंग हो रही है, आइदर वो एस्टिमेट में है या वो कास्ट कंट्रोल में है, वो जो लेवल है उसको कुछ लोग माइनर कास्ट कोड कह देते हैं, कुछ उसको बिलो द कास्ट कोड लेवल कह देते हैं, कुछ उनको रिसोर्सेज कह देते हैं, बट डिफरेंट वर्ड बट टर्मिनोलॉजी सेम। सो बैक अगर किसी और का क्वेश्चन हो जी। जिनाई साहब, इमरान बात कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि ऑब्वियसली प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है बजट को मेंटेन करना, डिलीवरी प्रोजेक्ट मैनेजर का, तो जब प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू PIR होता है तो उसके अंदर अगर सिमिलर सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स कंपनी ले रही है और उसके अंदर जो जैसे वकास साहब ने कहा कि भाई कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो कि सिमिलर होती हैं, तो उसकी एस्टिमेशन होती है, अगर वेरिएंस बहुत ज्यादा आ रही है, आपके पास कॉन्ट्रैक्टिंग साइड से बहुत ज्यादा वेरिएंसेस आपके पास आ रही है, तो क्या एस्टिमेटर का कोई रोल होता है PIR के अंदर जब हम प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू करते हैं? थोड़ा सा प्लीज रिपीट करेंगे क्वेश्चन, मेरा कंप्यूटर की आई लॉस्ट योर वॉइस समवेयर। तो अच्छा सॉरी वकास साहब, मेरा क्वेश्चन ये कि जैसे आप बता रहे थे कि डिलीवरी प्रोजेक्ट मैनेजर का की रिस्पांसिबिलिटी है बजट को मेंटेन करना, लेकिन जब प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू होता है और अगर आपके पास सिमिलर सॉर्ट ऑफ वर्क कंपनी कर रही है और उसके पास जो जो पार्सल ऑफ वर्क आ रहा है वो मेजोरिटी ऑफ द टाइम मोर और लेस सेम ही है, तो क्या जब PIR होता है उसके अंदर एस्टिमेटर्स की कोई इनपुट हो सकती है, यानी इन टर्म्स ऑफ वेरिएंस, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपने एस्टिमेशन की है उसको देखते हुए प्रोजेक्ट मैनेजर फ्रॉम द डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू वो डिलीवर कर रहा है, तो वेरिएंसेस अगर बहुत आ रही हैं प्रोजेक्ट्स में तो एस्टिमेटर का कोई कोई रोल हो सकता है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू के अंदर? देखिये मेरा तो एक्सपीरियंस ये है कि जैसे ही $1 से $3 खर्च होना शुरू होते हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजर हमारे सर पे खड़ा हुआ होता है। बट फॉर्मली स्पीकिंग होता यह है कि जो प्रोजेक्ट डीब्रीफ होती है जिसमें सारे के सारे इसके जो स्टेक होल्डर्स तो नहीं कहूंगा, मतलब जितनी भी टीम के मेंबर्स होते हैं वो सब बैठते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द जॉब और एट अचीवमेंट ऑफ मेजर माइलस्टोन्स ड्यूरिंग अ जॉब, तो उसमें फिर बताया जाता है कि भाई इस चीज में दीज वर द विन्स एंड दीज वर द लूजेस, और उसमें इम्पोर्टेंट ये भी होता है कि एस्टिमेटर को के लिए तो इम्पोर्टेंट एट द टाइम ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द जॉब ही होता है कि उसको अगर टाइम मोशन स्टडीज मिल रही है या उसको इनपुट आ रहा है कि भाई इस चीज के अंदर हमारा ओवर रन हो गया है प्रोजेक्ट में, तो वो ही कैन डू हिज जॉब बेटर। मगर इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे मेनली इट्स द प्रोजेक्ट डिलीवरी टीम, और वो थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस ये है कि वो रिलक्टेंट भी होते हैं एस्टिमेशन की टीम को एंगेज करते हुए उस टाइम, क्योंकि दे आर ओनिंग द जॉब, दे वांट टू डू इट देयर वे, मगर कहीं पे अगर कोई ओवररन होता है तो हमें आते हमारे पास जरूर आते हैं, मतलब हम जरूर आके बताते हैं कि आपने फलाने कॉस्ट कोड में 1,00,000 अलाउ किया था और 1,03,000 जो है वो खर्च हो चुके हैं। So that's my experience. That's my personal experience. Jilani sir might be able to add some more. जी मैं जहाँ तक क्वेश्चन को समझा हूँ और अवकाश बार आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, ये हासा डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट है, ये लमसम है कि ये शेड्यूल ऑफ रेट है, और जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है उसकी क्या लाइबिलिटी है। अगर तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि लमसम है तो फिर तो उसमें बाद में एस्टिमेटर का कोई रोल नहीं है, वो प्रोजेक्ट मैनेजर अच्छा होगा या बुरा होगा वो कंपनी उसके साथ निपटेगी। अगर शेड्यूल ऑफ रेट है और क्लाइंट ने उसका स्कोप बहुत बढ़ा दिया है और अगर फ्यू परसेंटेज है और जो साइट के लोग हैं प्रोजेक्ट मैनेजर है और उसकी टीम है वो समझती है कि वो इस रिवाइज स्कोप को
क्वांटिफाई करके और क्लाइंट को बता के वेरिएशन अप्रूव करा सकते हैं, वेल एंड गुड। लेकिन अगर शेड्यूल ऑफ रेट में स्कोप इतना सब्सटेंशियल चेंज हो जाए कि वो ये समझे कि भाई अब ये हमारा काम नहीं है, इट इज अ डिफरेंट थिंग, तो वो कंपनी को कॉल करते हैं कि भाई आप अपना एस्टिमेट भेजें, ताकि इस स्कोप को, चूंकि टोटली डिफरेंट है, हम अपना काम करना चाहते हैं, ये जो नया काम क्लाइंट दे रहा है आप उसको थ्रू प्रॉपर तरीके से क्वांटिफाई करें, उसको एस्टिमेट करें एंड टॉक विद द क्लाइंट, स्टे अस अवे फ्रॉम इट। अच्छा, अगर ये डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट है तो वो तमाम जो चेंजेस या मेन चेंजेस वो मेन कॉन्ट्रैक्टर की रिस्क है, तो उस सूरत में जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है उसके पास कुछ कंटिंजेंसी, कुछ डिजाइन ग्रोथ, कुछ रिस्क अलाउंसेस होते हैं जो वो प्रोजेक्ट मैनेजर को नहीं देता, और वो जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है वो उस प्रोजेक्ट मैनेजर का एज ए क्लाइंट काम करता है, तो वो ये कहता है तुम्हें ये इन्होंने दिया है ये काम करो, और वो अपनी स्कोप के मुताबिक, चूंकि डिजाइन हमारा रिस्क है, डिजाइन चेंज हो गया, वो रीफोरकास्ट करेगा वो डायरेक्टर को या कमर्शियल टीम को या जो भी मैनेजमेंट है उसको बताएगा कि ये आपने मुझे कहा था कि ये 1 मिलियन है लेकिन मैं 1.1 मिलियन में करूंगा क्योंकि ये प्रॉब्लम आ गई है। फिर वो मैनेजमेंट टीम देखती है कि वाकई स्कोप चेंज हुआ है और वो हमारे पास उसका कंटिजेंसी फंड है, तो वो उसको 0.1 मिलियन एडिशनल देके कहता है ओके अब आपने जो चाहा आपको मिल गया, देन ट्राई टू गेट सेविंग आउट ऑफ इट। लेकिन अगर वो जो चेंज ऑफ स्कोप कर रहा है उसका रिस्क मेन कॉन्ट्रैक्टर ने भी नहीं लिया हुआ और वो समझता है कि ये जो चेंज है वो क्लाइंट से पैसे इसके ले सकता है, तो देन अगर वो स्कोप चेंज छोटा है तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर को कहेगा कि इसकी ब्रेकडाउन बना के दो ताकि मैं क्लाइंट से इसके लिए वेरिएशन अप्रूव कर सकूं, और अगर क्लाइंट ने कह दिया कि यार आप ये काम कर रहे थे तो एक साइड पे एक ब्रिज है ये भी मुझे बना दें, तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर कहेगा भाई आई एम टू बिजी इन माय वर्क, आप किसी एस्टिमेटर को भेजें ताकि वो ये कर लें। तो ये जो सिचुएशन है ये डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट और डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन इन जनरल नॉर्मली एस्टिमेटर की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा नहीं होती until unless it is really necessary. Hope I have answered your question. Thank you, Jilani sir. Thank you, Vakas. Thank you. Any other question, please? जी काशिफ सर जी, मैं अस्सलाम वालेकुम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आपने बेसिकली कॉस्ट कंट्रोल के ऊपर आपका फोकस था, तो कॉस्ट कंट्रोल, अब इससे पहले मैं जिस लेवल पे थोड़ा बहुत काम कर चुका हूँ, मैंने एस्टिमेशन लेवल पे काम किया है, चले ठीक है, वो एस्टिमेशन लेवल पे हम कॉस्ट नहीं कंट्रोल कर रहे थे यूजली, क्योंकि आपने एस्टिमेट बनाया, आपने बिड कर दिया, मिल गया, ठीक है आपने कर दिया। अब मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन है कि एस्टिमेट करते हुए जब आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई आपने जो कोड है वो आपने एस्टिमेट करते हुए ही उनको उसी हिसाब से डिफाइन करना है कि आप बाद में उसको कंट्रोल कर सकें, या आप उसको जनरली मतलब मेजर मेजर जो वो है उसके ऊपर आप काम कर देते हैं। जी बिल्कुल सही आपने बात सवाल पूछा है। एक्चुअली मैंने आपको जब बेंचमार्क में भी दिखाया था तो उसमें जब प्राइसिंग हम कर रहे होते हैं तो मेजर पे ही कर रहे होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। जब हम बजट बनाते हैं या जब हम कॉस्ट ट्रैकिंग बना रहे होते हैं तो फिर हम उसके मजीद कोड्स डिफाइन करते हैं, क्योंकि देखें वो एक प्रोजेक्ट जब बिड हो रहा है आपको पता नहीं आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इट्स नो पॉइंट ऑफ स्पेंडिंग सो मच टाइम ऑन दैट जॉब। तो हम होता यही है कि हम मेजर कॉस्ट कोड जो कंपनी के यूनिफॉर्म होते हैं और जो बहुत अरसे से चलते हुए आ रहे होते हैं हम उन्हीं के बेसिस के ऊपर और वो सिस्टम में ऑलरेडी जो है वो फिट इन होते हैं, मतलब उसमें हमें ज्यादा एफर्ट भी नहीं करनी पड़ती। लेकिन जब हम प्रोजेक्ट विन कर जाते हैं तो फिर हम प्रोजेक्ट टीम के साथ बैठते हैं और प्रोजेक्ट टीम के साथ बैठ के हम बोलते हैं कि अच्छा भाई हाउ डू यू वांट टू मॉनिटर इट, क्योंकि होता ही है कि हम अगर डिफाइन कर देते हैं फिर प्रोजेक्ट टीम वाले आके हमसे कहते हैं कि जी हमें ये पसंद नहीं है हम तो ऐसे करेंगे, तो हमारे लिए फिर वो एफर्ट डबल हो जाती है या हमने जो काम किया होता है वो बेकार हो जाता है, फिर उस पर एक मजीद बंदा बैठता है जो उसको उनके हिसाब से करता है, फिर हमारा सिस्टम उससे सिंक होता है। तो generally yes we don't have minor cost codes or minor cost codes at the time of pricing. When we win the job, when we are giving the budget to the project team, then we go into that level of detail. All right, thank you. अच्छा एक छोटा सा question और है, जैसे कि estimation, ये भी estimation के हवाले से है कि आपने एक material labor और वो जो minor cost code को आपने define किया। अब मेरा सिंपल एक क्वेश्चन है कि एक आपने एक एक्सकवेटर है उसकी आपने इक्विपमेंट है और उसकी आपने लेबर जो उसके साथ लेबर इन्वॉल्व है यानी इक्विपमेंट जो मैन पावर होगी जो उसको ऑपरेट करेगी एक्सकवेटर को, और अब एक्सकवेटर की जो कॉस्ट है
वो वेरी करती है क्योंकि उसने डीजल पे चलना है, तो डीजल कॉस्ट अगर वेरी करती है, सब्सटेंशियली वेरी करती है, तो उसको आप फिर कैसे करेंगे, कौन से कॉस्ट कोड में डालेंगे? देखें जनरली जनरली मैं कोई भी बता दूं बाद में कि उसको कैप्चर कैसे करेंगे, जनरली जो है ये वेट हायर रेट्स होते हैं हमारे पास, और हमारी हमारी प्रेफरेंस भी यही होती है कि हम वेट हायर रेट्स के ऊपर इसको ट्रैक करें। अगर तो हमारे पास ड्राई हायर एक्सकेवेटर्स होते हैं या ड्राई हायर मशीनरी होती है कभी साइट के ऊपर, तो हम उसका सेपरेट होता है हमारा कॉस्ट कोड, उसको हम जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि हमारा एक प्रोजेक्ट था अभी सबस्टेशन का प्रोजेक्ट था हमारा, तो उस सबस्टेशन के प्रोजेक्ट में हमने ड्राई हायर मशीनरी अलाउ करी थी फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द जॉब, कि हमने पूरी एक्टिविटीज के अंदर जो भी हमारा फुटिंग का जैसे कॉम्पोनेंट था हमने उसमें 4 घंटे एक्सकेवेटर के अलाउ करे, और इसी तरह हमने हर एक्टिविटी में जो है मशीनरी अलाउ करी। ऑन टॉप ऑफ दैट जब हमारा मैनेजमेंट रिव्यू करने बैठा तो मैनेजमेंट ने ये बोला कि मुझे एक्सकेवेटर, 2 एक्सकेवेटर, 1 डंप ट्रक और 1 वाटर कार पूरे प्रोजेक्ट को चाहिए इरिस्पेक्टिव कि तुमने अंदर कितने डाले हैं, कि अगर वो मतलब प्रोग्राम ब्लो आउट हो जाता है या कुछ भी होता है तो हमारे पास ये कंटिजेंसी, वो कंटिजेंसी का फैक्टर होता है, तो जनरली वो हम कंटिजेंसी में उसको कैप्चर कर रहे होते हैं, या फिर अगर उसकी कॉस्ट बहुत बड़ी होती है या उसे हम उसको लेवल ऑफ सर्टेन लेवल ऑफ डिटेल में जाना होता है तो फिर हम उसको एक अलग से कॉस्ट को डिफाइन कर देते हैं। राइट, थैंक यू। एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? सॉरी विकास, लास्ट क्वेश्चन है मेरा। ये है कि कितना कितना इंपॉर्टेंट होता है जब एक टीम एग्जीक्यूशन फेज में जाती है, कंस्ट्रक्शन फेज में, ठीक है, ये कॉस्ट ट्रैकिंग में प्रोडक्टिविटी शीट्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है? वो उनको एक कॉस्ट दे दिया आपने, ठीक है, बना के कॉस्ट कोडिंग दे दी, उसके साथ प्रोडक्टिविटी शीट कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है उसको अचीव करने में? हाँ जी, बहुत आपका अच्छा क्वेश्चन है। देखें एस्टिमेट के टाइम पे तो हमारी जो प्रोडक्टिविटीज होती हैं वो अस्यूम्ड होती हैं, और ये मेरे ख्याल में तो अनलाइकली होता है, इट्स अनलाइकली कि हम जो प्रोडक्टिविटीज अस्यूम करें वो प्रोडक्टिविटी साइड पे अचीव हो जाएं, क्योंकि जनरली जब हम प्राइस कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट, हमारी कोशिश ही होती है हम प्रोजेक्ट विन करें, तो कभी कभी हम बहुत हाई प्रोडक्टिविटीज अस्यूम करते हैं, एंड दैट That goes in with the knowledge of management and the project managers. मतलब उनको ये पता होती है ये बात generally कि productivity अगर 50 allow हुई है तो site पर 30 या 35 होगी, कभी 50 अचीव हो जाएगी, कभी 30-35 अचीव हो जाएगी, तो वो yes it is very important, मगर इसीलिए हम उनको number देते हैं कि आपके पास ये आपका budget है, और generally 99% of the time जो site managers होते हैं they don't know about the estimate, और जैसे हम price करते हैं उसको, जिस मशीनरी पे हम price करते हैं, जब हम साइट पे जाते हैं तो entirely different मशीनरी लगी हुई होती है, तो उस केस के अंदर भी जो नंबर होता है that is more important, के that is more useful और that is much easier to monitor through that number, क्योंकि फिर project manager को भी पता होता है कि मेरे पास $5,000 ही हैं, बेशक मैं जो है वो 2,000 का dozer float करा लूँ लेकिन मेरे पास $5,000 है। So I hope that answers your question. Thank you. You put it this way कि जो दो चीजें हैं बजट में सब चीजें एक प्रोडक्टिविटी है, लेकिन जब कोई भी कंस्ट्रक्शन टीम प्लान करती है फोरकास्ट करती है तो वो बताती है भी मैं क्या अचीव करूंगी या मैं कैसे डिलीवर करेगी वो टीम। तो अब अगर आप कॉस्ट कैप्चर करें, कीप इन माइंड कॉस्ट कैप्चरिंग इज नॉट एन इजी जॉब, और साइट वाले कॉस्ट कैप्चरिंग में इतने केयरफुल नहीं होते, और इवन सम टाइम इफ देयर इज अ समथिंग इज गोइंग ऑन वो उस कॉस्ट को इधर उधर करते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम को डिटेक्ट ना कर सके, तो कॉस्ट इंजीनियर की जॉब है कि वो उस ये ना होने दे। लेकिन प्रोडक्टिविटी अगर आप मॉनिटर कर रहे हैं और प्रोडक्टिविटी वो नहीं जा रही जिस प्रोडक्टिविटी पे फोरकास्ट हुआ है और कॉस्ट शो कर रही है कि नथिंग रॉन्ग, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग आइदर इन योर प्रोडक्टिविटी और इन योर कॉस्टिंग सिस्टम। तो आप जब दोनों को कंपेयर कर लेते हैं तो ये हेल्थ ऑफ द प्रोजेक्ट का पता चल जाता है कि अगर दोनों पैरेलल पे चल रहे हैं तो इसका मतलब है रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आर राइट और इसमें कोई गड़बड़ नहीं हो रही, कहीं कोई एरर नहीं आ रहा। लेकिन अगर एक चीज शो कर रही है कि प्रोडक्टिविटी इज परफेक्ट एंड यू आर लूजिंग मनी, देयर इज समथिंग रॉन्ग। और अगर प्रोडक्टिविटी इज टू लो और आप रिपोर्ट कर रहे हैं कि एवरीथिंग इज फाइन cost wise we don't have a problem, then you have a problem again. तो ये एक और टॉपिक है earned value management का, maybe at some stage हम इस पे भी ट्रेनिंग करेंगे, लेकिन आज हमारा चूंकि ज्यादा कॉस्टिंग पे तो जो है
लेकिन वो जो अर्नड वैल्यू है वो भी वही टूल है जो हमें बताता है कि जो हम कॉस्टिंग कर रहे हैं क्या हेल्थ ऑफ द प्रोजेक्ट ठीक है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जी कोई क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जी मुझे लगता है कि क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, तो शुक्रिया अदा करते हैं वकास आपका, सारी टीम का जिसने ये अटेंड की और आपका जिसने तैयार करके प्रेजेंटेशन दी, माशाल्लाह इट वाज परफेक्ट। और आप जो स्लाइड्स हैं अगर उस ग्रुप में शेयर कर दें तो सब लोगों को पता चल जाएगा, और इसकी जो वीडियो रिकॉर्ड हुई है वो इंशाल्लाह मैं विद इन फ्यू डेज इसको आपको लिंक भेज दूंगा ताकि आपको बताओ कि अगर किसी ने मिस कर दी है तो वो उसको भी देख सके। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, कीप इन टच इंशाल्लाह। अगर आप में से अगर कोई इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है तो ग्रुप का हिस्सा बन दीजिए, मैं आपको फॉर्म दे दूंगा, और अगर आपके दोस्त हों तो उनको भी इन्वाइट करें। और माशाल्लाह इस ग्रुप में हाथ से सीनियर लोग हैं, अगर किसी ने प्रेजेंटेशन देनी है ऐसी ट्रेनिंग तो प्लीज कम फॉरवर्ड ताकि जो नए लड़के आए हैं वो उससे इस्तेफादा हासिल कर सके। ओके जी, अगेन थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। Thank you, Jilani sir. Thank you, Akash sir. Thank you very much, Jilani sir, for giving the opportunity, and thank you all for attending it. Thank you. बहुत अच्छी एफर्ट थी जी, बहुत शुक्रिया। Thank you very much.